الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ناظرين خير ماخدم هابكى رسول يكرم صلى الله عليه وسلم پاکیزہ ارشادات في اسمج میں وعن كعب بن اجرته رضي الله تعالى عنه قال

नजर जब उन पर नहीं पड़ रही है तो आपको तशवीश हुई पूछा काब कहा है लोगों ने कहा अल्लाह के रसुल काब तो बहुत बीमार है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि अच्छा बीमार है चलो शाम को चलेंगे यम से यह नहीं कहा कि काब के लिए सब लोग दुआ करो जैसे आजकल हमारे यहां हो रहा है नहीं फौरन उठे और हजरत काब की यादत के लिए तशरीफ ले गए साहब के राम रजवान अजमैन में से कई लोग आपके साथ हजरत काब इबन उजरा की यादत के लिए साथ गए जब आप उनके घर पहुंचे आपने हजरत काब को देखा तो आपने फरमाया अब फरमायाब काब बशारत कबूल करो घर में हजरत काब इबन उजरा की वालिदाए मोहतरमा बैठी थी कहने लगी हनी अल्लाह का अल जन्ना या कहा रसूल अक्रम सम ने कहा ये अल्लाह पर कसम खाकर जन्नत की बशारत देने वाली ये खातून कौन है हजरत काब ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी वालदा है रसूल अक्रम सल्हलम ने उनकी वालदा से पूछा तुम्हें कैसे पता चला काब जन्नती है हो सकता है काब ने लायानी काम किए हो हो सकता है कुछ ऐसे काम किए हो जो अल्लाह को पसंद ना हो या ऐसी चीजों से लोगों को रोका हो मना किया हो जो इनके लिए कोई जरूरी नहीं था जरा सा गौर कर लें हदीस छोटी सी है लेकिन कई बड़े बड़े मसले इस हदीस से हल होते हैं सबसे पहली बात जो इमाम सलात हो हमारा कायद हो रहनुमा हो हमारा इमाम हो उसको चाहिए कि अपने मुसलियों का ख्याल रखें उन पर नजर रखे अगर कोई मुसली चंद वक्त गैर हाजिर नजर आए तो उसके बारे में पूछे फला का क्या हुआ हो सकता है वो बीमार हो, हो सकता है जरूरतमंद हो उसको हमारी जरूरत हो तो हम जाकर उसकी जरूरत पूरी करें उसकी मदद करें हो सकता है वो बीमार हो तो हम जाकर यादत करें उसकी पहली बात दूसरी बात अगर आपको किसी के बारे में पता चले कि आदमी बीमार है तो जहां तक मुमकिन हो सके जल्द से जल्द उसकी आदत के लिए आप जाइए ये रसूल अक्रम की सुन्नत है और जब आप आदत के लिए जाए तो कोई मायूसी भरी बात ना कहें अरे तुम तो कितने दिन से बीमार हो इतने हाँ तुम्हारी बीमारी तो बड़ी खतरनाक है भाई फलां साहब बीमार थे चले गए ओ फला साहब अल्लाह को प्यारे हो गए अब आप उसकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं उसकी मायूसियाँ बढ़ा रहे हैं उसकी इम्यूनिटी पावर को आप कमज़ोर कर रहे हैं उसकी कुवत मुदाफ़त जो बदल की है बीमारियों से लड़ने की उसको आप कमज़ोर करके उसको आप उसके साथ बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो क्या फरमाया अब शरिया काब काब बशारत है तुम्हारे लिए इतने दिन बीमारी झेली अल्लाह रबुलजत ने तुम्हारे गुना माफ कर दिए वालिदी हजरत काब को कहती है हनी तुम्हारे लिए तो वाह खूब जन्नत अल्लाह रबुलजत ने तैयार कर रखी है माए हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही ख्याल करती है कितना ही शरारती बच्चा हो उसकी मां से पूछ के देखिए आप मां कहेगी मेरे जैसा बच्चा भोला किसी का है मेरा बच्चा बिल्कुल गऊ है कभी मां को यह यकीन नहीं आ गया मेरे बच्चे ने भी कोई शरारत की होगी तो यहां पर माँ का किरदार खुलकर सामने आ रहा है फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए असलकम वरहत लि ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें